मसाला बनाने की रेसिपी दूंगी। तो अगर आपने जानना है कि कैसे बनता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले मैं अपने नए नाज़रीन से गुजारिश करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिक्का बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा हैं वो ये हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है हमारे पास वो सूखा धनिया है, और 6 से 7 जो है वो यहाँ पर हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून यहाँ पर हमारे पास सौंफ है, हाफ टी स्पून यहाँ पर हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून यहाँ पर हमारे पास काली मिर्च है, 2 से 3 यहाँ पर हमारे पास दालचीनी है, 1 बादियाना फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और यहाँ पर हमारे पास है 2 तेज़पात। तो आए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब आपने सारे मसाले जो है वो पैन में डाल देने हैं, और इसे 2 मिनट आपने चूल्हे पर भूनना है लाजमी। व्यूवर्स, आपने इसे 2 मिनट चूल्हे पर लाजमी भूनना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना। तो व्यूवर्स, ये बिरयानी के अलावा गोश्त वगैरह जो है, ब्रोस्ट वगैरह आप बनाते हैं तो इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया, बस हमने इतना ही चेंज करना था, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आपको भी आएंगी। अब हम इसको जो है वो पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, यानी तो अब हम इसको ग्राइंड करते वक्त आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे ये जो मसाले हैं ये तैयार हो गए हैं। व्यूवर्स, ये हमारा जो मसाला है ये तैयार हो गया है। कितना शानदार मसाला बना है हमारा। व्यूवर्स, अब हम इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे उसमें हमारे पास है नमक, हाफ टी स्पून यहाँ पर है हमारे पास पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली हमारे पास हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे पास है हल्दी हाफ टी स्पून, कचरी पाउडर हाफ टी स्पून, और ये हमारे पास है जायफल जावित्री। अगर आपके पास ये दोनों जो है वो पिसे हुए नहीं है तो आप उसमें पहले, जैसे हमने आपको पहले पिसे हुए जो नए मसाले थे उनको ग्राइंड करके आपको दिखाया, आप उसमें शामिल करके इनको ग्राइंड कर लें। और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर छोटी इलायची 3, हम इनको पीसेंगे नहीं, इसके अंदर साबुत शामिल करेंगे। तो आए इनको शामिल करते हैं। अब आप इसे मिक्स कर लें। टिक्का बिरयानी मसाला है जो रेडी हो गया है। आपने अगर बनानी है तो इससे, इस मसाले से बनाए, बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल बाहर वाला, लेकिन ये बनाया घर पर है हमने। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलें, और जाते जाते हमें सब्सक्राइब करते जाएं। खुदा हाफिज़।